कुछ राय पर इख्तलाफ होना वो मेरा कुछ था किसी हवाले से, और उसमें मैंने उनके सामने भी हमेशा इजहार किया था कुछ। अभी जाहिर है वो किसी बहुत ही आइडियल फेस सर्किट भी नहीं गुजर रहे अपनी लाइफ के कारण, पूछा वो किस किस्म के इंसान है। मैं खुद इतना मतलब मेरी क्या किसी की औकात है कि वो किसी इंसान के बारे में कोई राय दे। इस वक्त मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उनके साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है कि मुझे भी उनकी कुछ चीज़ों से बहुत शदीद इख्तलाफ हो, और है, लेकिन अभी मेरी इनसे उनके लिए बहुत सारी दुआएं इसलिए हैं, बल्कि अगर दुआओं के अलावा भी अगर मैं कुछ कर सकूँ जो कि मैंने उनसे कहा भी है, तो वो इसलिए कि इस वक्त ज़ाहिर है वो एक बहुत ही एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं लाइफ के जहाँ पे इंसान को कुछ दोस्तों की ज़रूरत होती है। उन्होंने मुझसे भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कराई तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने ये वीडियो इस कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्ड कराई है। उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये बताइएगा कि आप मेरे घर पर इतनी मरतब आए हैं, क्या आपने कभी कोई ऐसा कुछ देखा? तो मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं कहूँ कि जब मैं उनसे उनके घर पर मिलाऊँ तब तो ज़ाहिर है मैंने हम गए हैं और खाना वाना खाया और सब। तो अभी बस मेरी ये दुआ है कि बस ये मामला आपस का दो लोगों का मामला है, ये जिस तरह चौक पे डिस्कस हो रहा है फ्रेंकली मुझे इस पर अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे इस पर तकलीफ हो रही है, चाहे वो उनके हवाले से हो, दानिया के हवाले से हो, या आमिर भाई के हवाले से हो। एक एक एक, एक रिश्ता है, उसको चार दीवारी में डिस्कस होना चाहिए, चौक पे डिस्कस। सो आई रियली होप, विश एंड प्रे कि बस ये बात पब्लिक में कम से कम हो और बस चीज़ें बेहतर हो जाए।